सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विकल्प बहुत मिलेंगी मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। आज का पंचांग 3 फरवरी 2021 दिन बुधवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:12 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्र नामक नक्षत्र रात्रि 9:07 तक रहेगी। इसके उपरांत श्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:40 से 2:03 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 9:49 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। धनुराशि 3 फरवरी 2021 दिन बुधवार, इस बात की संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुराकर अपने करियर में प्रगति करना चाहता है, इसलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें। आपको इस समय कड़ी मेहनत से अपने हित के बारे में सोचना है। अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां साझी ना करें। इस दौरान धीरज से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभ चिंतकों को भी पहचान जाएंगी। आज भविष्य संबंधित योजना को लेकर कोई महत्वपूर्ण नीति बनाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य तारीफ के काबिल रहेंगे। कामकाज में व्यस्तता के अलावा परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती व मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। पैसों से संबंधित किए हुए व्यवहार की वजह से किसी व्यक्ति के प्रति गलत फहमी बढ़ सकती है। व्यक्ति के साथ ठीक से संवाद बनाने के बाद आपको असलियत का पता चलेगा, इसलिए जो भी मन में आपके नकारात्मक भावनाएं आ रही है उनको ठीक से प्रकट करने की कोशिश करें। आज आप बहुत खुश रहेंगी, आपकी खुशियों में कोई बाधा नहीं आएगी। शायद आपको पता नहीं है कि आपका सकारात्मक व्यवहार आपके काम में दिखाई देगा, इससे आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आपको इस समय का पूरा फायदा उठाते हुए अपने सभी अधूरे काम को पूरा कर लेना चाहिए। सावधानियां, कानूनी तथा सरकारी मामलों में लापरवाही ना करें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। इस समय संबंधियों से किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद करना गलत है, बल्कि आप अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके कोई हल निकाल सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का हल निकालने में समर्थ रहेंगी। प्रेम प्रसंगों में किसी प्रकार की गलत फहमी से खटास उत्पन्न हो सकती है। कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर आप एक साथी से संतुष्ट हैं तो आपको बाहर किसी भी चीज को तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास ही है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपने संबंध में स्थिर हैं, तभी आप एक बेहतर कल के लिए अपनी ऊर्जा को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आप सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति रुक सकती है। अगर आपने किसी भी गैरेज या कुछ रचनात्मक वस्तु का उत्पादन किया है तो उसे जल्द से जल्द उस पर कानूनी एकाधिकार करवा लें। लोग ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये वस्तु उन्हीं की है, हालांकि वास्तविकता में वे शायद ही कोई उत्पाद की एक प्रवृत्ति के निर्माण में आपके करीब आ सकती हैं। व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू होगा। किसी नए तकनीक आदि के प्रयोग संबंधित कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श भी होगा।
ऑफिस में माहौल और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी, कोई नई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफ़ी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और अगर आप अपने शरीर के लिए हानिकारक आदतों में लगे रहें तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज के दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी है, इसलिए आज से ही उन्हें अपनाने का संकल्प लें। आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।